2021 में अगर किसी एक इंडस्ट्री ने बवाल मचा के रखा है तो वो है कनाडा इंडस्ट्री। बैक टू बैक एक से बढ़कर एक मूवी अनाउंस कर रहे हैं, उसकी मूवी रिलीज डेट अनाउंस कर रहे हैं, और ये उन इंडस्ट्रीज में से आ गई हमारे इंडिया की जिसको वर्ल्ड वाइड लोग अब देख रहे हैं। और उन्हीं में से एक मूवी है बजरंगी 2, जिसकी पिछले साल ही ऑफिशियल टीज़र आया था। अब वो टीज़र में हमें इस पर्टिकुलर मूवी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता चली थी, साथ साथ हमें डॉक्टर शिवराज कुमार सर का लुक भी देखने को मिला था और किराकी डायनेस्टी भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार यानी कि कल जो एक मोशन पोस्टर आया तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ किराकी डायनेस्टी और विलन जगरावा को दिखाया है, और जिस लेवल पे वहाँ पर ग्राफिक्स का यूज़ किया है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है अर्जुन जैनियर सर का गूज़बम्प्स लेकर आता है। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये मूवी इतनी ग्रैंड लेवल पे होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मूवी मेकर्स को पता चल गया है कि अब KFI का वक्त आ चुका है और इनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि इस पर्टिकुलर मूवी को भी पैन इंडिया रिलीज़ करने का। अगर आप लोग इस मूवी के बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो विकीपीडिया में ये साफ साफ लिखा है कि ये मूवी आपको कन्नड़ा और तेलुगू ये दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, लेकिन पॉसिबल है कि ये और भी लैंग्वेज में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन वो तब अगर ऑडियंस लोग सपोर्ट दिखाएंगे, अगर ऑडियंस लोग सोशल मीडिया पे ये बवाल मचा देंगे, ट्रेंडिंग कर देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर मूवी को भी पैन इंडिया रिलीज़ करो, क्योंकि ये एक फैंटेसी एक्शन मूवी है और वर्ल्ड वाइड जितनी भी ऑडियंस है वो लोग फैंटेसी एक्शन मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जिस लेवल का मूवी का आर्ट डायरेक्शन है, जो इस मूवी की BGM है, जो इस मूवी की थीम नज़र आ रही है, तो 100% ऐसा लगता है कि ये मूवी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई सपोर्ट करो KFI इंडस्ट्री को, सपोर्ट करो इस वीडियो को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि एटलीस्ट जो डायरेक्टर है, जो फिल्म मेकर्स, उनको एक पता तो चले कि भाई हाँ हिंदी ऑडियंस में और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ऑडियंस है सबको एक क्रेज़ है बजरंगी 2 मूवी के लिए। बजरंगी 2 मूवी से रिलेटेड एक चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बजरंगी मूवी का सीक्वल है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग विकीपीडिया पे सर्च करोगे तो डायरेक्टर ने खुद ये बताया कि ये मूवी का नाम सबसे पहला राणा होने वाला था और इसमें हमें यश देखने को मिल रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से यश ने इस मूवी को नहीं किया, तो डॉक्टर शिवराज कुमार सर को उन्होंने इस मूवी के लिए साइन किया और इस वजह से इस पर्टिकुलर मूवी का नाम बजरंगी 2 रखा, वरना राणा होता। तो अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सीक्वल है तो वो पूरी तरह से गलत है। उसके अलावा अगर अभी भी जो ऑडियंस है जिनको डॉक्टर शिवराज कुमार सर के बारे में भी नहीं पता, तो भाई ये उन एक्टर्स में से आते हैं जिन्होंने मोर देन 120 मूवीज़ की है, और इनकी एक मूवी थी ओम जो कि 1995 में रिलीज हुई थी और वो कनाडा की अब तक की सबसे सक्सेसफुल गैंगस्टर मूवीज़ में से है कि, और वो मूवी के बाद बॉलीवुड में जिसको आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बॉलीवुड में फिर बैक टू बैक गैंगस्टर से रिलेटेड मूवी बन गई थी, और जो बहुत ही फेमस मूवी है सत्या, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी जो कि पूरी तरह से कॉपी थी ओम मूवी की। आप लोग समझ चुके होंगे कि डॉक्टर शिवराज कुमार सर का जो एक लेवल है वो कितना हाई है और ये किस लेवल के सुपरस्टार है। इनकी मूवी पैन इंडिया रिलीज होती है तो डेफिनेटली बहुत ऑडियंस इस पर्टिकुलर मूवी को देखेगी। अब देखना है कि फिल्म मेकर का क्या रिस्पॉन्स आता है इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद, और क्या वाकई में वो लोग अनाउंस करते हैं कि ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा मौका है, तो यार इस चांस को मत गंवाना। अगर आप लोगों ने मेरा बजरंगी 2 का ऑफिशियल टीजर का रिव्यू नहीं देखा है तो यार इस वीडियो पे क्लिक करें, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे और उस वीडियो को भी देखो, उसको भी लाइक करो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन